हेलो बच्चे, ऑनलाइन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का लेसन फोर, छोटूस हाउस। ये लेसन स्टार्ट होता है एक लड़के छोटू की कहानी से। लड़का छोटू अपने गांव से मुंबई में रहने के लिए आता है। हमारे देश में कई सारे लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही छोटू ही अपने घर से दूर मुंबई में आकर रहने लगा। अब जैसे ही वो मुंबई में आकर रहने लगा, उसके पास वहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसे एक सीवेज पाइप दिखा। सीवेज पाइप क्या होते हैं? बड़े बड़े पाइप जिनको ज़मीन के नीचे लगाया जाता है हमारे घर से पानी निकालने के लिए। उसे वो एक दिखा पाइप, इसीलिए वो वहाँ पर घर बनाकर रहने लगा। उसने उस पाइप में अपना घर बनाया। घर की सारी जगह, खाना बनाने की जगह, कपड़े सुखाने की जगह, बर्तन धोने की जगह, सब उसने वहीं पर बनाए। तो इस तरह वो पाइप में अपना घर बनाकर रहने लगा। थोड़े दिनों बाद एक लड़का मोनू वहाँ आया। उसके पास भी रहने की कोई जगह नहीं थी, वो भी सोनू के साथ, छोटू के साथ रहने लगा। इस तरह उन्होंने पाइप में अपना घर बनाया। अब ये तो छोटू की बात हुई, वो पाइप में घर बनाकर रहने लगा, लेकिन हम लोग तो पाइप में नहीं रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? घर पर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि घर में, हाउस में और होम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आप सब लोग कहाँ रहते हैं, होम में या हाउस में? तो अब हम देखते हैं हाउस क्या होता है और होम क्या होता है। देखिए, इसमें दो पिक्चर्स हैं, एक हाउस की और एक होम की। हाउस सिर्फ चार दीवारों से बनता है, और जब उस हाउस में कुछ लोग, फैमिली आकर रहने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं? होम। तो हाउस मीन्स सिर्फ दीवारों से बनी हुआ एक घर, और होम मीन्स जब उसके अंदर कुछ लोग, कुछ फैमिली भी रहने लगे। तो ये है हमारा हाउस और होम में डिफरेंस। तो हम सब लोग कहाँ रहते हैं, हाउस में या होम में? होम में। ठीक है, अब हाउस कई तरह के होते हैं। अब सबसे पहला हमें क्या करना है कि बताना है हमारे हाउस में कौन कौन रहता है, हमारे घर में कौन कौन रहता है हमारे साथ। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सारे लोग। हो सकता है आपके घर में आपके साथ कोई और भी रहता हो, आपने सब के नाम लिखने हैं। अब हमें बताना है हमारे घर में कौन कौन से हिस्से, पार्ट्स होते हैं। जैसे लिविंग रूम होता है, जहाँ पर हम लोग गेस्ट को बिठाते हैं, बातें करते हैं। एक बेडरूम होता है जहाँ पर हम रात को सोते हैं। एक किचन होता है जहाँ पर मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं। एक बाथरूम होता है जहाँ पर हम नहाते हैं। एक स्टडी रूम होता है जहाँ पर आप लोग पढ़ाई करते हैं। और पूजा रूम होता है जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। गेस्ट रूम भी होता है कई लोगों के घर में। तो इस तरह से ये हाउस की क्या है, पार्ट्स, अलग अलग हिस्से। आपके घर में भी कुछ होंगे, ठीक है, आपने सबका नाम लिखना है। लिविंग रूम, गेस्ट रूम, बेडरूम, किचन, ये सब आपने सबकी पिक्चर भी बनानी है। ठीक है, तो ये तो हुए हाउस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। अब देखते हैं टाइप ऑफ हाउसेस, अलग अलग तरह के घर। सबसे पहला होता है हट, दूसरा हाउस बोट, पानी पर चलने वाला घर। ठीक है, अब टिम्बर हाउस, वुडन हाउस। ठीक है, इग्लू, बर्फ़ से बने हुए घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू। अब अपार्टमेंट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो शहरों में बने होते हैं, इसके अलावा बंगलोज, टेंट हाउस और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो ये अलग अलग तरह के घर हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे घर को मेनली दो तरह से बांटा जाता है, कुछ होते हैं कच्चा हाउस और कुछ होते हैं पक्का हाउस। कच्चे हाउस कौन उसे होते हैं? जो मड, स्टिक, लीव्स से बनाए जाते हैं। पक्का हाउस कौन से होते हैं? जो सीमेंट से, ब्रिक से बनाए जाते हैं। कच्चा हाउस कमज़ोर होता है और पक्का हाउस मजबूत होता है। ठीक है, अब आप चेक करना आपका घर कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है। ठीक है, तो ये तो हुई टाइप ऑफ हाउसेस की बात, पार्ट्स इन द हाउसेस की बात, आपने ये सब देखा। ठीक है, अब आगे देखो। अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस देखे, आपने चेक करना है आपका हाउस
कौन सी तरह का है, कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है। आपने हाउस के सारे हिस्सों के नाम लिखने हैं, उनकी पिक्चर लगानी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमें बताना है हम अपने घर के किस हिस्से में कितना टाइम लगाते हैं। जैसे लिविंग रूम में 2 से 3 घंटे, बेडरूम में 7 से 8 घंटे, किचन में करीबन आधा घंटा और बाथरूम में करीबन आधा घंटा। हो सकता है आपका टाइम वेरी करता हो, आपने अपना टाइम लिखना है कि किस कमरे में आप अंदाजन कितने टाइम तक रहते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि हमारे घर में किचन में मोस्ट ऑफ द टाइम कौन रहता है। कौन रहता है? मम्मा, हमारी मदर किचन में मोस्ट ऑफ द टाइम रहती हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर खाना बनाना होता है। अब किचन में मम्मा के अलावा और कौन जाता है? कभी कभी पापा भी जाते हैं कुछ हेल्प करवाने के लिए। अब हमें बताना है हमारे घर में कि लोगों के अलावा और कौन रहता है। तो हमारे घर में फैमिली के अलावा कुछ एनिमल्स भी रहते हैं। एक होते हैं पेट एनिमल्स और दूसरे होते हैं अनवांटेड एनिमल्स, जो हमें हमारी मर्ज़ी के बिना घर में आ जाते हैं। पेट एनिमल जैसे डॉग, कैट, और अनवांटेड एनिमल्स जैसे कॉकरोच, लिजर्ड, ठीक है। कुछ हमारी मर्ज़ी से रहते हैं जैसे पेट एनिमल, और कुछ हमारी मर्ज़ी के बिना आ जाते हैं जैसे अनवांटेड एनिमल्स। आप भी चेक करना आपके घर में अनवांटेड एनिमल्स हैं कि नहीं है। अब हम अपने घर की सफाई कैसे करते हैं? हम अपने घर की सफाई करते हैं मॉपिंग से, ब्रूमिंग से। अगर हम अपने घर की सफाई ना करें तो क्या होगा? उसमें गंदगी फैल जाएगी। तो हमें अपने घर की रोज़ सफाई करना ज़रूरी है। तो हम अपने घर की सफाई कैसे करते हैं? ब्रोपिंग से, मोपिंग से, ठीक है। आप भी अपने घर की सफाई करते होंगे, तो घर की सफाई रखना भी ज़रूरी है। अब हमने घर के हिस्से भी जान लिए, उसकी सफाई कैसे करते हैं वो भी जान लिया। अब देखते हैं हम अपने घर के सजाते कैसे हैं। देखिए पिक्चर में ये क्या है? तोरण। इस तरह से हम अपने घर को सजाते हैं। कई लोग अपने घर में रंगोली बनाते हैं, और कई लोग डेकोरेशन पीसेस लगाते हैं, कुछ एंटिक आइटम्स लगाते हैं। तो अलग अलग लोग अपने घर को अलग अलग तरीक़ों से सजाते हैं। आपने बताना है आप अपने घर को कैसे सजाते हैं, जैसे रंगोली से, लाइट से, तोरण से। आपने बताना है आप अपने घर को कैसे सजाते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने देखा छोटूस हाउस के बारे में, छोटू के बारे में जाना, हाउस और होम के डिफरेंस के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस देखे, हाउस को साफ करना, सजाने के बारे में देखा। तो ये था लेसन छोटूस हाउस।